Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to the third episode of Know Your Universe. So guys, आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं क्री और स्कल, इन दोनों रेसेस के ओरिजिन के बारे में, इनकी कुछ क्वालिटीज, इनके कुछ फीचर्स, इनकी कुछ कल्चर, इनकी कुछ सिविलाइजेशन, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों के अंदर कैप्टन मार्वल रिलीज होने वाली है, जिसके अंदर हम क्री और स्कल दोनों रेसेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने वाले हैं MCU के अंदर। तो मैंने सोचा कि यही सही टाइम होगा कि आप लोगों को बताया जाए कि कॉमिक बुक के अंदर क्री और स्क्रल कौन है, इनका क्या ओरिजिन है, ये कहाँ से शुरुआत इनकी हुई और इन दोनों के बीच में आपस में इस तरह जंग क्यों चल रही होती है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए उनको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम अपनी सीरीज नो योर यूनिवर्स के अंदर मार्वल यूनिवर्स, मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्टली यहाँ पे ओरिजिन स्टोरीज वगैरह होती है। मेरा जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने इटर्नल्स के बारे में बात करी थी, उनका कंप्लीट ओरिजिन, उनकी जितनी भी कॉमिक बुक एपीरियंस वगैरह सब कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर करा था। और हमारा सेकंड एपिसोड जो था उसमें मैंने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था मार्वल यूनिवर्स का। तो हमारे थर्ड एपिसोड के अंदर मैंने क्री और स्क्रल का टॉपिक चुना है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह के और ऑसम कंटेंट देखने के लिए। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अर्थ और अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल के जाएं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ, तो वहाँ पर होती है शुरुआत स्क्रल एम्पायर की। स्क्रल एम्पायर कोई एक प्लेनेट या सोलार सिस्टम की बात नहीं है, बल्कि स्क्रल एम्पायर जो है इतना बड़ा एम्पायर है जो कि एक पूरी गैलेक्सी के ऊपर कब्जा करता है और ये पूरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर फैला हुआ था। वैसे तो हमें इनका सही ओरिजिन नहीं पता कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से हुई है इस मार्वल कॉमिक्स के अंदर, लेकिन जितने कॉमिक्स वगैरह आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये बात तो अंदाज़ा लगा के कह सकता हूँ कि स्क्रल की जो रेस है वो ह्यूमन रेस से बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो इसी तरह जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सा एक प्लेनेट होता है जिसका नाम स्क्रलोस होता है, और उस प्लेनेट के ऊपर से बेसिकली ओरिजिन स्टार्ट होता है स्क्रल्स के लोगों का। यहाँ पे एक प्राइमरी सिविलाइजेशन रहा करती थी जो कि बहुत हंसी खुशी से रहा करते थे। ये स्क्रल्स बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा कि आप अभी देखते हैं या उनके बारे में सुनते हैं जो कि हर वक्त जंग पसंद करते हैं। ये स्क्रल जो थे बिल्कुल पीस में रहने वाले थे और अच्छे अच्छे कामों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, और एक्सप्लोरेशन में, टेक्नोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा आगे थे। लेकिन कुछ सेलेस्टियल जो है इनके प्लेनेट पर आते हैं और इनके कुछ लोगों के ऊपर जो है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, जिस तरह के इन्होंने ह्यूमन रेस के ऊपर करा था और इटर्नल्स वगैरह बने थे, क्योंकि सेलेस्टियल के पास वाकई में कोई काम नहीं होता है, वो स्पेस गॉड्स हैं, वो आखिरकार करें तो क्या करें, तो उनको जो मिलता है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे भी स्क्रल्स के लोगों के साथ यही करा, और स्क्रल्स की रेस भी जो है तीन सब ब्रांचेस में बढ़ चुकी थी। पहली ब्रांच वो प्राइम स्क्रल्स कहलाई, दूसरी कहलाई डिवियंट स्क्रल्स, और तीसरी कहलाई इटर्नल स्क्रल्स। बेसिकली यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इटर्नल का कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है क्योंकि ये सेलेस्टियल से ही कनेक्टेड है। और अगर हम इस तरह से देखें कि ह्यूमन रेस और स्क्रल के बीच में ये बहुत बड़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही सेलेस्टियल्स ने ही एक्सपेरिमेंट करे थे जिसकी वजह से इनकी रेस इवॉल्व करी थी आगे। तो यहाँ से हमारे तीन स्क्रल के ग्रुप्स तो बन चुके थे, प्राइम, डिवियंट और इटर्नल्स। प्राइम स्क्रल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल स्क्रल्स थे, उनके पास कोई पावर वगैरह नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में उनके पास कुछ म्यूटेशंस वगैरह पाई जा सकती थी जिस तरह की ह्यूमंस के ऊपर पाई जा रही थी। और दूसरी तरफ डिवियंट स्क्रल्स जो थे ये थोड़े से अजीब से दिखने वाले थे, लेकिन इनके पास एक सबसे ज़बरदस्त एबिलिटी थी जो किसी और स्क्रल के पास नहीं थी कि ये शेप शिफ्ट कर सकते थे, बाकी के स्क्रल्स शेप शिफ्ट नहीं कर सकते थे। और आखिर में इटर्नल स्क्रल्स, इनको तो आप समझ गए होंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जीज और बहुत ज़्यादा पावरफुल माइंड वगैरह हुआ करते थे। इनकी स्ट्रेंथ दूसरे सारे इटर्नल से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन हमेशा की तरह ये इटर्नल्स थे तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करती थी डिवियंट्स के मुकाबले में। लेकिन इटर्नल स्कल्स के पास इतने ज़्यादा पावर्स वगैरह थी कि उन्होंने सोचा कि वो इन दोनों स्कल्स के मामले में इंटरफेयर्स नहीं करेंगे और अपनी एक दुनिया में मगन रहेंगे, और इस तरह से वो बेसिकली इटर्नल्स जो थे स्कल्स के गॉड्स टाइप की चीज़ें बन गए। लेकिन दूसरी तरफ डिवियंट स्कल्स जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और उनके पास बहुत ज़बरदस्त एबिलिटीज़ थी शेप शिफ्ट करने की, इस तरह से उन्होंने बोला कि इन तीनों ब्रांचेस के ऊपर सिर्फ राज करेंगे तो हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। और इस तरह हम देखते हैं डिवियंट स्क्रल की एक लीडर जो कि क्वीन स्लिगर्ड होती है, वो मिलके एक बहुत बड़ा इवेंट चलाती है जिसमें वो पूरे के पूरे प्लैनेट्स के ऊपर से प्राइम स्क्रल्स और इटर्नल स्क्रल्स को मार रहे होते हैं, मतलब उनके रास्ते में कोई और दूसरा इटर्नल आता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। यहीं से बेसिकली जो है स्क्रल्स के अंदर जो लड़ने वाली चाहत है वो यहीं से पैदा होती है, क्योंकि डिवियंट जो होते हैं उनके अंदर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं कि वो हमेशा से वॉर को पसंद करते हैं। ह्यूमंस वाले डिवियंट के अंदर भी यही बात थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि डिवियंट स्क्रल जो है प्राइम स्क्रल्स और इटर्नल स्क्रल्स को तकरीबन मार ही चुके होते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही इटर्नल स्क्रल बचा हुआ होता है और वो अपनी जान की भीख मांगता है जिसका नाम क्लिबन होता है।
और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम बेसिकली अपने गॉड को मार दोगे क्योंकि मैं तुम लोगों के गॉड के बराबर हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स के बाद सिलिगर्ड क्वीन जो होती है वो क्लेवेन से प्यार कर बैठती है और वो दोनों आपस में मिलकर शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि वो दोनों जो है गॉडहुड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब उनकी जो क्वीन थी अब वो गॉड बन चुकी थी और क्लेवेन तो पहले से एक इटर्नल था तो वो एक गॉड था। और यहाँ से बेसिकली स्क्रल का जो पैंथियन है यानी उनका जो रिलीजन है वो शुरू होता है और उन लोगों ने मिलकर एक बुक ऑफ वर्ल्ड्स लिखी है। ये बेसिकली इन लोगों की बाइबल है या हमारा जैसे कुरान होता है, तो इनकी एक बुक है बुक ऑफ वर्ल्ड्स, ये इसको फॉलो करते हैं, इसमें बहुत सारी प्रोफेसीज वगैरह हैं उसको मानते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली रिलीजन और इनके जो सिविलाइजेशन वगैरह उसकी। तो इसके बाद से जो है डीवियंट स्क्रल हर तरफ फैल गए, हर जगह डीवियंट स्क्रल का कब्जा होने लगा, उन्होंने एक के बाद एक प्लेनेट पर कब्जा करना शुरू करा। लेकिन अभी भी ये जो डीवियंट स्क्रल थे ये बहुत ज़्यादा फ्री ट्रेड में बिलीव करते थे। फ्री ट्रेड से मतलब ये है कि ये दूसरी सिविलाइजेशंस के पास जाया करते थे और उनको बोलते थे कि हम तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, हम तुम्हें अपने एम्पायर के अंदर शामिल करेंगे, हम जो है तुम्हें एक एवोल्यूशन पे लेके जाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारी कुछ बातें वगैरह माननी होंगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक दिन स्क्रल का एक शिप जो है एक प्लेनेट पे पहुंचता है जो कि मेंजिलिना क्लाउड यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर होता है और इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट हाला। तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है क्री के लोगों की, क्योंकि प्लेनेट हाला क्री का है। और बेसिकली जब यहाँ पे स्क्रल के लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ बारबेरिज्म बिखरा हुआ होता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जंगली होते हैं, वो सिर्फ लड़ाई मार धाड़ और बिल्कुल जंगली होते हैं, यानी इनके पास कोई टेक्नोलॉजी कोई कुछ नहीं होता, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह होती है। तो यहाँ पे मसला असल में ये आता है कि इस प्लेनेट हाला के ऊपर सिर्फ क्री नहीं रहते थे बल्कि इनके साथ एक और सिविलाइजेशन रहती थी जो कि दिखने में बिल्कुल ग्रूट के जैसे थे, यानी वो पेड़ की तरह थे, और इनकी जो रेस का नाम था वो था कोटाटी। तो बेसिकली यहाँ पे होता यह था कि कोटाटी एक तरफ और क्री एक तरफ, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। तो यहाँ पे जब स्क्रल्स के लोग आए उन्होंने ये देखा तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ अपना जो है टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करेंगे, लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि तुम दोनों रेसेस में से इस प्लेनेट को लीड कौन करेगा। मतलब एक प्लेनेट है तो इसको एक ही रेस जो है रिप्रेजेंट करेगी, जो पावरफुल होगी, जिसके पास ज़्यादा दिमाग होगा, जो ज़्यादा क्रिएटिव होगी। तो स्क्रल्स ने 17 मेंबर उठाए क्री लोगों के और 17 मेंबर उठाए कोटाटी के और इन लोगों को एक अलग अलग प्लेनेट पर लाके छोड़ दिया। कोटाटी को उन्होंने बेसिकली एक अलग तरह के प्लेनेट पर छोड़ा जो कि इस प्लेनेट से काफ़ी ज़्यादा दूर था, और दूसरी तरफ क्री के लोगों को उन्होंने अर्थ के मून के ऊपर छोड़ा। और उन्होंने साथ में ये बात भी बताई उनको छोड़ते हुए कि सामने तुम्हारे जो ब्लू प्लेनेट है वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उससे ज़्यादा तुम्हें अच्छा करके दिखाना है। और वहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जिसकी वजह से वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वगैरह हो गई ताकि क्री के लोग वहाँ पे रह सकें। और इसी वजह से इस जगह को कहा जाता है द ब्लू एरिया ऑफ मून। आपने अक्सर मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखा होगा कि अक्सर फाइट्स होती हैं ब्लू एरिया ऑफ मून के अंदर हो रही होती है, तो हमारे सुपर हीरोज़ वगैरह जो है वो किसी किस्म कोई मास्क या हेलमेट वगैरह नहीं पहने हुए होते। तो उसकी वजह यही है कि इस जगह को जो है स्क्रल के लोगों ने बनाया था बहुत साल पहले, इसी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल अर्थ की तरह है। और यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली जब ये दोनों रेसेस इसको अलग अलग प्लेनेट्स में छोड़ देती है तो वो इन दोनों रेसेस को एक साल की सप्लाई देती है, मतलब एक साल तक वो दोनों रेस यहाँ पर ज़िंदा रह सकें और उनको जो चीज़ बनानी है उसकी वो चीज़ बना सकें। और इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह स्क्रल के लोग उन दोनों को वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और वो एक साल बाद लौट कर आते हैं। लेकिन जब वो एक साल बाद लौट कर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्री के लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त सिटी बना ली होती है और बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिटी बना ली होती है, और उनको ऐसा लग रहा था कि अब जब स्क्रल के लोग आएंगे तो वो उनके ही लिए जज करेंगे, मतलब उनको ही हाला का नया लीडर बनाएंगे और वही सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि क्री के लोगों में शुरू से बारबेरिज्म भरा हुआ था, वो हमेशा लड़ने वाले लोग थे, जबकि स्क्रल के लोग दूसरी तरफ ऐसे नहीं थे। और हम यहाँ से जब शिफ्ट हुए कोटाटी की तरफ तो हमने देखा कि कोटाटी के लोगों ने बेसिकली पूरे के पूरे प्लेनेट को जो है एक पार्क बना दिया होता है, क्योंकि वो खुद एक ट्री थे, तो उस तरह उन्होंने पूरा एक बहुत ज़बरदस्त और लश गार्डन पार्क बना दिया होता है। और जब स्क्रल के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि हम तुम्हें अपना फैसला कल सुनाएंगे, लेकिन रात ही रात जो है क्री का जो एक लीडर होता है मोरैक, उसको ये लगना लग जाता है कि दूसरे दिन जो रिजल्ट आने वाला है वो क्री के खिलाफ होगा और कोटाटी उसमें जीत जाएगी। तो वो बोलता है अपने लोगों से कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमने अपना एक साल लगाया इसके ऊपर, हमने इतनी मेहनत करी है, हम इस तरह से इनसे हार नहीं मान सकते हैं, और वो सिर्फ पेड़ ही तो हैं, हमारी तरह इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं वो। और इसी तरह हम देखते हैं कि रात ही रात मोरैक अपने लोगों को अपने साथ मिलाता है और जितने भी उस प्लेनेट के ऊपर कोटाटी के लोग होते हैं उन सबको मार के ख़त्म कर देता है, मतलब सबको। और साथ साथ सिर्फ यही नहीं, जब दूसरा दिन होता है जब स्क्रल के लोग उठते हैं तो वहाँ पर क्री के लोग पहले से मौजूद खड़े हुए होते हैं और बोलते हैं, तो वहाँ पर क्री का जो लीडर मोरैक होता है वो बोलता है कि हमें पता है कि आपका डिसीजन क्या होने वाला था, इसलिए हमने अपने दुश्मन को ही एलिमिनेट कर दिया ताकि कॉम्पिटिशन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सुनने के बाद स्क्रल के लोग का दिमाग बिल्कुल घूम चुका होता है, क्योंकि स्क्रल के लोग वॉर में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, वो कॉम्पिटिशन में बिलीव करते थे, वो नॉलेज में बिलीव करते थे, और वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन लोगों के बीच में आपस में यानी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्री के लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे उस टाइम पे, और उन्होंने जो वहाँ से लोग आए हुए थे स्क्रल के डेलीगेट्स वगैरह उन सबको वहीं पे मार दिया। मतलब स्क्रल के 11 मेंबर्स आए हुए थे उन सबको उन्होंने वहीं मार दिया,
पूरी की पूरी कोटाटी रेस को ख़त्म कर दिया और एक तरह से इन्होंने हर चीज़ पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और बेसिकली यहाँ पे जब उन्होंने डेलीगेट्स को मारा तो उनका स्पेसशिप वगैरह जो था, उनकी टेक्नोलॉजी होती उसको उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी से अपनी टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दी और इस तरह से उन्होंने अपना हाला के ऊपर पूरा एक एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह से होता है ओरिजिन स्टार्ट क्री रेस का, यहाँ से बढ़ना शुरू हुई क्री रेस। लेकिन जैसा कि स्क्रल के इतने सारे लोगों को आपने मार दिया और स्क्रल एम्पायर इस वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस था, वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट चुटकियों में चले जाता था, तो उसको जब ये बात पता चली कि उसके लोगों को साथ इस तरह से क्री के लोगों ने किया है, तो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है क्री स्क्रल वॉर। और ये मेरे ख्याल से मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं है। तो ये यही सबसे बड़ी वजह है कि क्री और स्क्रल के लोग आपस में क्यों लड़ते रहते हैं और स्क्रल के लोग इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों हो गए। क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए तो स्क्रल के लोग पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, वो तो अपनी नॉलेज अपना ज्ञान जो है दूसरों के साथ बांटना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो अब वो किसी पे भी बिलीव नहीं करते हैं और अब उन्होंने ये ठान लिए कि आप प्लेनेट जो उनको अच्छा लगेगा वो उसके ऊपर कब्जा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि डिवियंट स्क्रल के अंदर भी दो तरह के ग्रुप बन गए थे। एक तो नॉर्मल डिवियंट स्क्रल थे जो शेप शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन उनके बाद भी एक रेस बनी जिसका नाम था डायर रेस। और इस रेस की खासियत ये थी कि ये मैजिक और मिस्ट्रिक आर्ट परफॉर्म करते थे और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करते हैं। इनसे जो है बाकी सारे स्क्रल्स काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ये जो है एक अलग ही रेल में रहते हैं। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्री और स्क्रल का ओरिजिन क्या था और इन दोनों के बीच में लड़ाई की क्या वजह है। लेकिन आप बोलेंगे कि ये अर्थ के ऊपर बार बार क्यों आती रहती हैं दोनों रेसेस। तो मसला ये है कि जब क्री स्क्रल वॉर हो रही थी तो उसके बीच में प्लैनेट अर्थ आ गया था, और प्लैनेट अर्थ बेसिकली कॉमिक्स के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि पूरी यूनिवर्स का सेंटर मानी जाती है। मतलब प्लैनेट अर्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस यूनिवर्स के अंदर, इसलिए जो है प्लैनेट अर्थ हर जगह आ जाता है। और दूसरा रीज़न ये था कि कुछ सालों के बाद जो था गैलेक्टस ने आके स्क्रल के लोगों का थ्रोन वर्ल्ड जो था उसको कंज्यूम कर लिया था, और उनकी जो बुक ऑफ वर्ल्ड थी उसके मुताबिक ये पता चला था कि ब्लू कलर का एक प्लैनेट होगा यानी अर्थ, उसके ऊपर हमारा फ्यूचर है। इसलिए जो है स्क्रल के लोग हमेशा इन्वेजन करने में लगे रहते हैं अर्थ के ऊपर, क्योंकि उनको ये लगता है कि बेसिकली ये एक प्रोफेसी है और ये प्लैनेट बेसिकली इनका है, तो ये हर तरह की कोशिश करेंगे इस प्लैनेट को हासिल करने में। चलिए ये तो मैंने आपको दोनों का ओरिजिन बता दिया, अब मैं इनकी कुछ खास खास स्टोरी लाइन्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ खास स्टोरी लाइन्स में एक स्टोरी लाइन स्क्रल की ये है कि स्क्रल के लोगों ने बहुत पहले जो है जब उन्होंने ये क्री के लोगों से नहीं मिले थे उस टाइम की बात है ये कि इन्होंने एक कॉस्मिक क्यूब बनाने की कोशिश करी थी। अब कॉस्मिक क्यूब क्या है इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, लेकिन आप ये समझ जाइए कि ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है जिससे हम रियलिटी चेंज कर सकते हैं। और उस वक्त जो वहाँ पे स्क्रल्स का लीडर हुआ करता था वो कॉस्मिक क्यूब से आपस में बात करने लग गया था, और इसी की वजह से उसका पागलपन देख के कॉस्मिक क्यूब ने भी जो है अपने अंदर यानी सेंटिएंट हासिल कर लिया था और वो बेसिकली खुद उससे बात करने लग गया था। लेकिन कॉस्मिक क्यूब जब उसके हाथ से बाहर हो गया तो उसने एक बहुत ज़ोरदार धमाका करा जिसकी वजह से 2/3 पॉपुलेशन जो थी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की वो पूरी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से स्क्रल एम्पायर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनकी सिविलाइजेशन जो है एवोल्यूशन में बहुत पीछे चले गई थी और काफ़ी टाइम बारबेरिज्म में भी चले गई थी। लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन मुझे लगा ये फैक्ट आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये फैक्ट हम जो है कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर देख लें। इस तरह क्री के लोगों ने भी एक क्रिस्टल हासिल करने की कोशिश करी थी जिसको द क्रिस्टल ऑफ अल्टीमेट विजन कहा जाता है। ये क्रिस्टल बेसिकली उस इंसान को जज करता है, अगर वो उसके वर्दी होगा तो वो उसकी पूरी की पूरी रेस को जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर देगा और समझ लीजिए इसको टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर देगा। लेकिन अगर वो अनवर्दी होगी तो उसकी पूरी की पूरी रेस बर्बाद हो सकती है। और इस तरह क्री का एक सोल्जर था, उसने इस क्रिस्टल को हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन जब क्रिस्टल ऑफ अल्टीमेट विजन ने उसको जज करा तो उसने इसको अनवर्दी हासिल किया, और जब उसको अनवर्दी साबित किया गया तो इसकी वजह से पूरी की पूरी क्री रेस जो थी उसको एवोल्यूशन के अंदर स्टक कर दिया गया। मतलब पूरी दुनिया उनके सामने आगे बढ़ रही थी लेकिन वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और ये चीज़ तकरीबन कुछ 200 से 300 साल तक रही, तभी क्री के लोग जो है इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, वरना अगर उनको वो एवोल्यूशन का टाइम मिल जाता तो वो आज पता नहीं कहाँ पे होते। और क्री के बारे में मैं आपको कुछ ये बातें बताना चाहता हूँ कि क्री के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं, एक ब्लू स्किन क्री होते हैं और एक पिंक स्किन क्री होते हैं। तो बेसिकली जो असली क्री हैं वो ब्लू स्किन होते हैं और पिंक जो होते हैं वो असली नहीं होते हैं, और इसलिए उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन से देखा जाता है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्री सोसाइटी के अंदर। ब्लू स्किन वाले जो हैं ज़्यादा अपने आप को मानते हैं बहादुर, यानी वो मानते हैं कि उनका इस प्लेनेट पर राज होना चाहिए, जबकि पिंक स्किन वाले जो हैं वो वक्त के साथ साथ ब्लू स्किन वालों से ज़्यादा हो गए थे पॉपुलेशन में, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो जोर होता है वो हमेशा ब्लू स्किन वालों का ही होता है। और मज़े की बात यह है कि कैप्टन मार्वल जो है ओरिजिनल कैप्टन मार्वल वो भी एक पिंक स्किन क्री हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रिस्टल ऑफ अल्टीमेट विजन की वजह से क्री के लोगों की जो एवोल्यूशन स्टक हो गई थी, तो उनका जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, तो बेसिकली सुप्रीम इंटेलिजेंस समझ लीजिए जैसे कि उनका एक पैंथियन था जिसके अंदर क्लीबन वगैरह था, इस तरह से सुप्रीम इंटेलिजेंस इनका रिलीजन है, इनका गॉड है, इनका हर चीज़ है। और ये बेसिकली क्री के जो बेस्ट माइंड्स हैं उन सबका मिक्सर बना के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है और ये अब उसी की सुनते हैं। तो जब ये लोग एवोल्यूशन के अंदर स्टक हो गए थे तो सुप्रीम इंटेलिजेंस ने इनको ये मशवरा दिया था कि वो कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें, जिस तरह के सेलेस्टियल्स ने इंसानों के ऊपर और स्कल्स के लोगों के ऊपर किए थे, और इसी एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में बने थे इनह्यूमन्स।
अगर आप मेरी इटर्नल वाली वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि ये मैं किस टाइमलाइन की बात और ये सारे इवेंट्स किस टाइम पे हुए हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि इनकी जो रेसेस हैं स्क्रल और क्रीकी, ये ह्यूमन से बहुत ज़्यादा पुरानी है, इनका ओरिजिन हमसे बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि जिस टाइम पे हम इटर्नल्स की बात कर रहे थे उस टाइम पे क्री के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुके थे। मतलब उन्होंने अपने पूरे पूरे प्लैनेट्स पे कब्जा किया हुआ था, उसके ऊपर वेपन स्टेशन बनाया हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें स्क्रल्स की, तो स्क्रल्स का ओरिजिन क्री से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। क्री का जो ओरिजिन है वो स्क्रल की वजह से ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह से स्क्रल की रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, और क्री की रेस उससे थोड़ी पुरानी है, लेकिन ह्यूमन जो है वो इन सबके बाद आए, तभी हम लोग एवोल्यूशन में इन दोनों रेसेस से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली क्री के लोगों की कुछ टेक्नोलॉजी की, कि किस तरह से उन्होंने ह्यूमंस वगैरह के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और अपनी रेस के अंदर सुपर पावर्स वगैरह डाली, जिस तरह के इन ह्यूमंस वगैरह हो गए या कैप्टन मार्वल वगैरह हो गए, इस तरह से उन्होंने नेगा बैंड्स वगैरह भी बनाए थे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो यानी स्क्रल की तरफ, तो स्क्रल के लोगों के पास पहले ही बहुत इंप्रेसिव पावर थी जो कि शेप शिफ्टिंग की पावर थी। और अगर ये शेप शिफ्ट कर लेते एक बार तो बहुत सारे लोग तो पहचान भी नहीं पाते हैं, इनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते कि ये स्क्रल है। लेकिन अब जाके बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बाद ये पता लगाना पॉसिबल हो गया है कि कौन स्क्रल है कौन नहीं। लेकिन एक बार अगर स्क्रल शेप शिफ्ट कर लेता था तो ये पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन होता था। इसका पता सिर्फ तभी लग सकता था जब वो बंदा मरता था, क्योंकि जब भी कोई बंदा मरता था उसके बाद ही स्क्रल जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता था, वरना कुछ भी हो जाए वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता ही नहीं था। और यही वजह थी कि सीक्रेट इन्वेजन का जो प्लॉट है वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सा सुपर हीरो स्क्रल है और कौन असली है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगा ही। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। स्क्रल के लोगों ने अपने लोगों के ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए और बना लिए सुपर स्क्रल्स। तो बेसिकली सुपर स्क्रल्स के अंदर खासियत ये थी कि वो सिर्फ शेप शिफ्ट होकर हीरोज़ के अंदर चेंज नहीं हो सकते थे, बल्कि उनकी पावर्स भी अडाप्ट कर सकते थे, उनकी पावर्स को भी कॉपी कर सकते थे। और सीक्रेट इन्वेजन के अंदर हम यही देखेंगे कि किस तरह से सुपर स्क्रल्स जो है हर सुपर हीरो की जगह रिप्लेस होकर बैठ चुके हैं, और पता नहीं कितने सालों से इनकी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और सबसे पहला सुपर स्क्रल जो था वो क्लर्क था, जिसके अंदर पूरे फैंटास्टिक फोर की पावर्स एक साथ थी, मतलब द थिंग की पावर, मिस्टर फैंटास्टिक की पावर, वुमेन टॉर्च की पावर और इनविजिबल वुमेन की पावर, और साथ साथ उसके पास हिप्नोसिस की भी पावर्स थी। इसको हमने यंग एवेंजर्स की सीरीज में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा था। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो मैंने दोनों का ओरिजिन आपके साथ शेयर किया, उनके रिलीजन्स भी बताए कि उनके कौन कौन से रिलीजन है। स्क्रल के लोग जो है वो बुक ऑफ द वर्ल्ड्स को मानते हैं और उनका जो इटर्नल गॉड था उसको मानते हैं, और दूसरी तरफ क्री के लोग जो है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस को सब कुछ मानते हैं, अपना उसकी हर बात सुनते हैं। और मैंने दोनों के बीच में वॉर का जो रीज़न था वो भी आपके साथ शेयर करा, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों आपस में लड़ते क्यों रहते हैं हमेशा की तरह। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने आपको अच्छे से ओरिजिन बताने की कोशिश करी है, और आई होप कि कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। सो गाइस, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा स्क्रल और क्री का ओरिजिन, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।